नमस्कार, ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मां बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीम ओम स्वाहा। तो प्रिय बंधुओं, आज से हम आने वाले कुछ कार्यक्रमों में रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि रुद्राक्ष का क्या महत्व है, हमारे जीवन में ये किस प्रकार से सुखमय होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये कितने प्रकार के होते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही मालूम है कि रुद्राक्ष को डालने से मन शांत हो जाता है या शंकर जी प्रसन्न होते हैं इसको डालने से, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कई प्रकार की जानकारियां दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है और इसको साक्षात भगवान श्री शंकर का रूप माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में रुद्राक्ष को हमारे जीवन में तीन प्रकार से उपयोगी माना गया है। कैसे? कि एक तो धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और औषधीय दृष्टिकोण से। हम लोग रुद्राक्ष को एक माला में पिरोकर गले में धारण करते हैं या फिर उसकी अपने मंदिर देवालय में पूजा स्थान में रखकर उस रुद्राक्ष की पूजा करते हैं। तीसरा, कई प्रकार की औषधियां जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं उसमें रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है बीमारियों को दूर करने के लिए। कहते हैं कि जिनके गले में रुद्राक्ष डाला हो उसके घर में कभी अन्न धन और वस्त्र की कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि हमेशा उनके पास होती है। दूसरी बात, जिनके घर में रुद्राक्ष की पूजा होती है उनके घर में हमेशा वैभव रहता है, भगवान शंकर का आशीर्वाद हमेशा रहता है, वे लोग रोगों से निवृत्त होते हैं, उनके घर में बीमारियां बहुत कम ना के बराबर होती हैं। तो यह तो था रुद्राक्ष का प्रयोग। अब रुद्राक्ष शब्द क्या है? रुद्र जमा अक्ष, इसके पीछे भी एक कथा है। रुद्र यानी कि भगवान शंकर को रुद्र रूप माना गया है। अक्ष का मतलब होता है आंखों से निकले हुए आंसू। एक वृतांत है, एक कथा है जो कि धार्मिक ग्रंथों में पाई जाती है। स्कंद पुराण में इस कथा का विवरण दिया गया है। कहते हैं कि एक समय में पाताल लोक का राजा मैं, जिसका नाम था, वह पाताल लोक में राज करता था। उसको ऐसा लगा कि पाताल के बाद भी हमें पृथ्वी लोक, गंधर्व लोक, देवलोक को जीतना चाहिए और असुरों की शक्ति को सब जगह पर विस्तार पूर्वक करना चाहिए। इसी को देखते हुए उस मैं ने पृथ्वी पर आक्रमण किया, पृथ्वी को विजय किया और हिमालय पर तीन दुर्गों का निर्माण किया, जिसमें एक दुर्ग सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, जिससे उस मैं राजा का नाम त्रिपुरासुर पड़ा। उसने वहां पर अपने दानवों को, अपने राक्षसों को विराज किया और वह दुर्ग इतने ज्यादा मजबूत थे कि उनको कोई भेद नहीं सकता था। इसके बाद उसने गंधर्वों को जीता, फिर देवताओं पर आक्रमण करके इंद्रादि के सिंहासनों को जीत लिया। इंद्र घबरा के जंगल जंगल भटकने लगे, बहुत ज्यादा दुख भोगने लगे। तब सभी देवी देवताओं ने सोचा कि इस दानव पर, इस दैत्य पर कैसे जीता जाए, हम लोग अकेले इसको नहीं जीत सकते हैं। तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अकेले मेरे भी बस में यह दैत्य नहीं आएगा, क्योंकि यह बहुत ज्यादा बलवान और पराक्रमी हो चुका है। तो वह सब लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं
कि हम सब जने मिलकर सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास जाएंगे। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी इंद्रादि देवता हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर जी के पास पधारते हैं और उनकी अर्चना वंदना करते हैं और उनको सारा वृतांत उस दैत्य के बारे में बताते हैं। तब भगवान शंकर को क्रोध आता है और वह युद्ध के लिए तैयारी करते हैं। तो सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शंकर को वस्तुएं देते हैं। तो ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि इस पृथ्वी को उस युद्ध के लिए रथ बनाया गया और उस रथ को खींचने के लिए चतुर्भुजी भगवान ब्रह्मा जी खुद सारथी बने थे। कहा जाता है कि उस राक्षस को मारने के लिए, उस दैत्य को मारने के लिए जो धनुष बनाया गया था वह सुमेरु पर्वत था और जो तमंचा थी वह खुद सागर था। भगवान शंकर ने उस दैत्य को, दुर्ग को देखने के लिए जब वह हिमालय पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने धनुष की तीव्र चढ़ाई तो तीनों ही दुर्गों का नाश हो गया। राक्षस भय से इधर उधर कांपने लगे। तब भगवान शंकर ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अभय तीर छोड़ा, जो तीर क्या था, भगवान विष्णु को तीर बनाकर उस दैत्य पर छोड़ा और दैत्य का संहार किया। तब सभी देवी देवता भगवान शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी इस युद्ध की थकान को मिटाने के लिए हिमालय पर्वत की एक शिखा पर जाकर विश्राम करते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। उस समय भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न में जब वे हंसते हैं खुशी से कि हमने युद्ध जीता है, तो खुशी से हंसते हंसते उनकी आंखों से चार बूंदें आंसू की गिरती हैं। अब हुआ क्या कि जहां वह बूंदें गिरी वहां पर चार वृक्षों का निर्माण हुआ जिन पर चार तरह के रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं, जिसमें कि सफेद, काला, लाल और पीत, यानी कि पीला, चार प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन आता है। उन्हीं के बीजों से यह सब रुद्राक्ष उत्पन्न हुए हैं। तभी तो रुद्राक्ष नाम इन बीजों का पड़ा कि रुद्र के आंसुओं से बना हुआ रुद्राक्ष। तो यह भगवान शंकर को भी बड़ा प्रिय है, सभी देवी देवताओं को बड़ा प्रिय है। तो यह तो मैंने आपको बताया कि धार्मिक दृष्टिकोण से रुद्राक्ष का क्या महत्व है, किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। आने वाले समय में मैं आपको जानकारी दूंगा कि यह कहां कहां पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है और यह एक मुखी से लेके 14 मुखी तक तो विशेष रूप से धार्मिक महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि 14 मुखी तक ही रुद्राक्ष आते हैं। कहा जाता है कि 21 मुखी तक भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं, परंतु वह बहुमूल्य यानी कि बहुत ही कम रेयर होते हैं। तो यह जानकारी मैं आने वाले कार्यक्रमों में आपको जरूर दूंगा, क्योंकि समय का अभाव है, समय हो चुका है। तो प्रिय बंधु, आज मैं आपकी राशि आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय अधिक हो गया है। जाने से पहले यही कहूंगा, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, पर्सनली अपनी जन्म पत्रिका मुझे दिखवाना चाहते हैं या किसी भी कारणवश मुझसे मिलना चाहते हैं, अपने यंत्र या अपने भाग्यशाली रत्न मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में मुझसे मेरे मिलने के समय के अनुसार आकर मिल सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। अगर समस्या है तो समाधान भी है। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आप पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में आकर भी मिल सकते हैं। आप रत्नों द्वारा अपने भाग्य, नौकरी, व्यवसाय को और बेहतर बना सकते हैं। आप ओरिजिनल एवं सर्टिफाइड रत्नों को पूजा विधि द्वारा एवं शुभ नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। संपर्क करें
पंडित विशाल व्रेथरे, 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नजदीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। पंडित विशाल व्रेथरे का ज्योतिष कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम इन समय पर